माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मंत्री आतिशी जी को और केजरीवाल सरकार को आपकी जवाबदेही बनती है। दिल्ली को पानी दीजिए। अपने निकम्मेपन पर आवरण डालने के लिए एक और गुमराह करने का इन्होंने पैतरा अपनाया है। मैंने कहा ना, दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से केजरीवाल सरकार के नियंत्रण में है। इनकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता तक पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए इसलिए तरस रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री आतिशी जी ने कोई मरम्मत नहीं करवाई दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों की, इन्होंने कोई एक्शन प्लान नहीं लिया, इन्होंने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलवाई और आज बस ये ऐसे पैतरे अपना रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गया है प्यासा मरना। एक दशक से केजरीवाल सरकार यहां पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक पाइपलाइन चरमराती हुई स्टेट में है, और इसलिए क्योंकि कोई मरम्मत इन्होंने करी नहीं है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है, 40% से ज्यादा पानी ऐसे ही बह जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री आतिशी जी को यदि प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिले तभी तो वो ग्राउंड पर आकर काम करें। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटक कर केवल दोषारोपण करते हैं। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मंत्री आतिशी जी को और केजरीवाल सरकार को, आपकी जवाबदेही बनती है, दिल्ली को पानी दीजिए। अनादर आई वॉश, अपने निकम्मेपन पर आवरण डालने के लिए एक और गुमराह करने का इन्होंने पैतरा अपनाया है। मैंने कहा ना, दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से केजरीवाल सरकार के नियंत्रण में है। इनकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता तक पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए इसलिए तरस रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। आईएमडी ने मार्च में ही बोल दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। माननीय मंत्री आतिशी जी ने कोई मरम्मत नहीं करवाई दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों की, इन्होंने कोई एक्शन प्लान नहीं लिया, इन्होंने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलवाई और आज बस ये ऐसे पैतरे अपना रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं।